बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं इंचलाडास। मैक्सिकन डिश है ये। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया है, छोटा छोटा बोटियों में उसे हमने इस तरह से काट लिया है। एक प्याज लिया चॉप, हेलापिनो पेपर लिए मैंने दो, चार जवे लहसुन के हैं, 1/3 कप है यखनी, 1/3 कप है सालसा, टोमेटो सालसा है, 1 टेबलस्पून है कॉर्न स्टार्च, टोमेटो सॉस है हमारे पास 1 कप, और 1 टीस्पून है ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून है पेपरिका पाउडर, 1 टीस्पून है चिली पाउडर और 1 टीस्पून है नमक। प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसके अंदर मैंने डाला है मक्खन और थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इसके अंदर मैंने लहसुन के जवे को क्रश कर लिया था वो डाला है, 4 जवे लहसुन लिए थे मैंने। हल्का सा फ्राई करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप अनियन और हेलापिनो पेपर, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चिकन के अंदर। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बोनलेस चिकन। सिर्फ 10 मिनट्स कुक करना है इसको, ज़्यादा कुक नहीं करना है। बहुत इजी और बहुत अच्छी इसकी रेसिपी है। आप इसको रमज़ान में भी बना के फ्रिज में रख सकते हैं और इफ्तार से पहले इसको आपने बेक कर दिया। 1/2 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ इसमें काली मिर्च का पाउडर। मिर्चें और नमक कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ तेज़ नमक खाया जाता है, बहुत से लोगों के यहाँ हल्का। इस टाइम पे आप इसका नमक चेक कर लें। चिकन हमारी गल गई है, इसको मैं निकाल लूँगी एक डिश में। फिर इसमें जो पानी रह जाएगा, इसी पानी के अंदर हम अपनी सॉसेस को ऐड करेंगे और मसाले को, टोमेटो सॉस, और सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अब सालसा डाल रही हूँ, चिकन की यखनी डालिए, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप नहीं डालें। कॉर्न स्टार्च को मैंने घोल लिया है, 1 टेबलस्पून लिया था कॉर्न स्टार्च। इससे ये होता है कि इसका वाटरी सॉस नहीं रहती, कॉर्न स्टार्च डालने से इसकी थिक सॉस अच्छी बनती है। बहुत से लोग मैदा डालते हैं, मैं कॉर्न स्टार्च डालती हूँ। 5 मिनट्स हम इसको पकाएंगे। उबाल आ गया इसमें, सॉस हमारी रेडी है। अब पहले हम प्रेप बनाएंगे सब चीज़ों का, उसके बाद हम इसको लपेटना बताएंगे कैसे लपेटना है। मैंने लिए मोज़रेला चीज़, पेपर जैक चीज़, फ्लावर टॉर्टियाज़ है मेरे पास। इनको हम हल्का सा सेक लेंगे ताकि ये ड्राई ना रहें। थोड़े से ऑयल के अंदर इनको आप हल्का सा गरम कर लें। पहले मैं सारी रोटियों को, जितनी मुझे बनाने हैं इंचलाडास, उतनी गरम कर लूँगी। उसके बाद हम इसकी स्टफिंग करेंगे। एक डिश ले लें जिसमें आप बेक करेंगे इनको, थोड़ी सी सॉस इसमें डालेंगे। अब हम एक एक करके रोटी को इसमें डिप करेंगे, इससे ये होता है रोटी इसकी सॉफ्ट और जूसी बनती है। इसको डिप करना ज़रूरी है सॉस के अंदर। जो हमने चिकन बनाई थी उसकी फिलिंग करेंगे और चीज़ की, और फिर एक एक करके इसको हम लपेटते जाएंगे और इस तरह से डिश में आप बिछाते जाएं। मैंने 8 रोटियां ली हैं, एक डिश में आ जाती हैं 8 से 9 रोटियां। इनका मैं रोल करके अब इसमें लगा दूंगी और फिर 350 प्री हीट ओवन में हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट्स के लिए।
इस तरह से हमने रेडी कर लिया है इनको। अब ऊपर से इसके ऊपर हम सॉस लगाएंगे। अच्छी तरह से सॉस लगा दें ताकि ये ड्राई ना हो बेक होने के बाद। और इसके ऊपर मैं डालूंगी दोनों चीज़ों को। चीज़ अच्छी तरह से डालनी है, उसी से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पेपर जैक चीज़ मेरे पास स्लाइसिस में है तो मैं इसको काट के डाल रही हूँ। बस यहाँ जलापेनो पेपर डालेंगे और अब हम इसे बेक करने रख देंगे 20 मिनट के लिए। मैंने इसको बेक कर लिया था। थोड़ा सा इसके ऊपर आप हरा धनिया डाल सकते हैं गार्निश के लिए। अब इसको मैं डिश आउट करूँगी। बहुत ही जूसी और मज़ेदार इंचलादास बनते हैं, इस तरह से आप बना कर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।